नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। जिला होशियारपुर के तहत पड़ते गांव कुकोवाल में स्थित गुरु नानक दरबार में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व को समर्पित वार्षिक जोड़ मेला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ साहिब को शुरू करवा तनावपूर्ण हालात में शुरू हुआ। इस आयोजन को लेकर हालात उस समय तनावपूर्ण हुए जब गांव के ही दविंदर सिंह खालसा नामक व्यक्ति ने गुरु नानक दरबार जोड़ मेले में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ रखवाने के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप ले जाने को मना कर गुरुद्वारा साहिब के गेट को ताला लगा दिया। दविंदर सिंह खालसा का मानना था कि उक्त 1.18 मरले भूमि जठेरों के नाम से है, जिसका केस चल रहा है और स्टे उसके पास है, और जठेरों और मैरिज पैलेसों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब ने रोक लगा रखी है, इसलिए उसने गुरुद्वारा साहिब को ताला लगा दिया। पहले सुने क्या कहा दविंदर सिंह खालसा ने पत्रकारों से बात करते हुए। मैं भाई दविंदर सिंह खालसा, पिंड कुकवाल, जिला होशियारपुर। ये सर इस तरह है कि साढ़े पिंड 1.18 मरले जो जगह है वो जठेरिया के नाम पर है, जिसकी फर्द भी मेरे पास है, उस दे उत्ते केस चल रहा है। केस दे विच मैनू स्टे मिली हुई है। इतों तन तन साहब श्री ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के स्वरूप, एक गुरद्वारा साहब है पिंड का, जठेरे इतों अद्धा किलोमीटर दूर हैं, तो इतों तन तन साहब श्री ग्रंथ साहिब जी महाराज के स्वरूप जो हैं वो जठेरिया ये लैके जाते हैं। सिर्फ एक कमाई का साधन, होर कुछ नहीं। उत्थे कोई तुहानू जिस तरह पता है कि अकाल तख्त साहब के हुक्म हैं कि मड़िया मसाणा समाधा जठेरिया पैलसां दे विच महाराज के स्वरूप नहीं जाणगे, तो हुण ये पैलसां दे विच स्वरूप बंद हो चुके हैं, तो ये उस जगह नूं जठेरिया दी नूं जबरदस्ती गुरद्वारा गुरु नानक दरबार बना रहे हैं। अकाल तख्त साहब का यह भी हुक्म है कि पिंड दे विच एक गुरद्वारा होगा, तो असी चलो इन्हों दो तीन बारी पहला देवी दत्ती के तुसी बना लो। पिछली बार इन्होंने नहंग सिंह लिया के मेरे सिर पड़वाए इस गुरुद्वारे, नकली नहंग सिंह आए किदा आए मैं नहीं पता, हो ठीक है ना, उन्होंने आके ये सर जो खंड पाठ हो रहे हैं पहला भी हो रहे हैं कि अज पहली बार हो रहे हैं। सर पहला देखो जी इदा है कि यह 2013 तो यह हुक्मनामे जो लागू हुए आ अकाल तख्त साहब तो 2013 तो हुए आ, खंड पाठ साहब तो पहला तो हो रहे हैं। मैं 2013 तो इन्हों जो मैं पेंशन आया सगा उस तो इन्हों कह रहा कि महाराज के स्वरूप नहीं लैके जाने, ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं मानते, इन्हों आदत पै गई है पैसे कमाने की। मतलब हरेक साल अखंड पाठ के भोग पैंदे आ, हाँ जी, 30-35 पाठ रखते हैं जी, 30-35 पाठ रख के महाराज के स्वरूपा तो एक पाठ दे पहला 10,000 सगा, मेरा शायद हुण 15,000 भी करता हो, 15,000 रुपया करता तो घट्टो घट भी 5-7 लाख रुपया खर्चा आता, 2,000 रुपया 2 लाख रुपया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਜਿੰਦੇ? ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਜੀ। ਜਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਆ ਜੀ? ਜਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਸਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਇਹ 3 ਜਣੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਦੇ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਉੱਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਕੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੂਮੀ ਜੰਜੂਆ ਗੋਤਰ ਕੇ ਜਠੇਰੋ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2015 ਮੇਂ ਗਾਂਵ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾ ਗਨ ਮਾਨਿਆ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੇਂ ਇਸ ਭੂਮੀ ਪਰ ਬਨੇ ਮਠ ਕੋ ਤੋੜ ਕਰ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ रखवा दिए थे। उसके प्रांत जहां हर वर्ष जोड़ मेले का आयोजन करवाया जाता है और इसको लेकर किसी को कोई एतराज भी नहीं है, और अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने भी 2019 में इस स्थान पर अखंड साहिब पाठ रखवाने की इजाजत दे दी थी। सुने क्या कहा श्री गुरु नानक दरबार के अध्यक्ष अवतार सिंह ने। इससे दा मामला ये है जी, हरेक साल असीं सलाना जोड़ मेला करवाउंदे हां, इस साल 16वां सलाना जोड़ मेला है जो गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रकाश जाने नूं समर्पित है। महाराज की कृपा के नाल पिछे पहली लड़ी अज खंड पाठा की आरंभ हुई है। किसी तरह संगत ने बहुत मेहनत की है, तो अपने गुरु नानक दरबार आ सब ने हाजिरी लगवाई है, तो अपनी चढ़ती कला वास्ते पिंड नगर वास्ते सब ने अरदास बेनती खड़े होके गुरु महाराज सम हो के बेनती की है कि नगर हमेशा चढ़ी उम्र रहे, अंग संघ परमात्मा साढ़े नगर के निवासियों के संग रहे।
सर एक व्यक्ति वालों रोकया गया है इतने गुरुद्वारे साहब नूं जिंदे भी ला ले आ, इहदा की कारण है जी? ये दविंदर सिंह जी है, वो हमेशा ही सरकार कमेटियां दे नाल मिलिया होया है, हरेक साल विच आण के पंगा पाउंदा रहिंदा है। इहनूं बहुत समझा चुके हैं क्योंकि ये इसने 2015 सितंबर नूं एग्रीमेंट किया सी, उस विच मीर प्रधान इहदे साइन है। ये गुरु नानक दरबार प्रबंधक सदरां दे जथेबंदियां जो आईयां सी उस टाइम जोड़ मेले के समय, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि इहदा नाम बदल के गुरु नानक दरबार रखा जाए ता जो हम इत्थे कोई दोबारा इसका काम ना हो, जिन्ना मतलब दोबारा कोई तकलीफ आए। तो इस करके उस तो बाद इसने फिर दोबारा किया, असी अकाल तख्त जाके 19 अपनी एप्लीकेशन लाई, पूरी दस्या पे पिंड मतलब सिख राजपूताना है, लेकिन हिंदू करके मौजूदा इस जगह का नाम सी, जिसनों ये नाम बदल दिता गया, गुरु नानक दरबार रख दिता गया। तो उन्हीं इतने 2-3 बारी मतलब अकालगढ़ साहब तो भी 2 प्रचारक आए, तो बीबी रणजीत कौर आई, उन्होंने सारा देखा, उन्हें कहा इतने कुछ नहीं है, कोई मट्टी नहीं है। 2015 पहला मट्टी होंगी सी तो उन्होंने हटा दिता गया। फिर असी भी अमृतधारी गुरसिख हाँ, असी जानते हाँ कि जिते मट्टी उसे गुरु सच अपने गुरु ग्रंथ साहब नहीं जाने हैं, लेकिन मट्टी हटाने तो बाद कंटिन्यू इतने प्रोग्राम हो रहा है। उन्हीं के दोबारा फिर कल्याण सिंह को डिटेल किया गया, उस प्रचारक ने भी देखा, बहुत समझाया दविंदर सिंह ने भी, इतने कुछ नहीं, तू पिंड के ना कोऑपरेशन में ना रहना चाहिए है, पिंड की चढ़ती कला वास्ते अरदास बेनती करनी चाहिए है, रब का नाम लिया कर, लेकिन यह बंदा नहीं है। लेकिन सानू 2019 के 24 सितंबर उतों फिर लिखती रूप के असी बेनती की सी, परमिशन मिल गई, इतने गुरु ग्रंथ साहब के खंड पाठ जाप हो सकते हैं। ये कोई इतने जगह कोई ऐसी नहीं है जिसे गुरु ग्रंथ साहब नहीं जा सकते, इसलिए उतों ही गुरु ग्रंथ साहब के मतलब खंड पाठ चलते हैं। आप जी ने मैं वो शौक बिठाना है जो श्री अकाल तख्त तो उधर सानू इजाजत मिली हुई है। दूसरा जो इन्हें एग्रीमेंट किया सी, अखा एक गुरसिख होने के नाते भी लोगों गलत गाइड करता है, जो कहना मैंने जठेरे चाहिए हैं, दूजे भी कहना तुम जठेरे समझ के इतने पूजा करो, वीडियो बनाता है गलत, जो पिंड के वासी है कोई मनमत इतने नहीं करते, तो बारह कोई आना है जान बुझ के उन्होंने लिया के इस तरह वीडियो बना के पाँगा है। अखंड पाठा की लड़ी जी आरंभ हो गई है जी? हाँ जी, अखंड पाठा की लड़ी आरंभ हो चुकी है, महाराज कृपा बनाई रखे, इस तरह चढ़ी प्रोग्राम चल रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा। हालात तनावपूर्ण होने की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे डीएसपी प्रेम सिंह ने कहा कि उक्त भूमि पर गंगुआ गोत्र के जठेरों का स्थान होता था, लेकिन 2015 में पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर इस स्थान का नाम श्री गुरु नानक दरबार रख दिया, जिस पर दविंदर सिंह ने भी हस्ताक्षर किए हुए हैं। सुने क्या कहा डीएसपी प्रेम सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए। सर कुकू वाला जी की मसल मामला सिगा जी? ये मामला ये सी भी ये पिंड दे विच जंजुआ नाम दे जठेरे हुंदे सी जी, ते जिहड़ा 23/9/15 नूं इहने इक पंचायत ने मता पास करके ये जिहड़ा जठेरे दा नाम श्री गुरु नानक दरबार रख दिता सी जी, इत्थे खंड पाठ संबोधित कर दिते सी, ते उदों तों इत्थे खंड पाठ दा खंड पाठ ते महाराज दे हजूरी दे विच भोग पाए जांदे आ जी। ते एक दविंदर सिंह नाँ का बंदा है भुट्टो, वह इतराज़ करता भी इतने नहीं जठेरे के अखंड पाठ नहीं रखा जाना चाहिए जी, पर इन्होंने सारी पंचायत ने उतो श्री अकाल तख्त साहब तो मंजूरी ली हुई है जी भी इतने खंड पाठ रख सकते, कोई सानू इतराज़ नहीं है। 2019 की मंजूरी उन्होंने कोल है जो अं वेख ली है जी, तो यह जान के पंगा पाता हर साल जो अखंड पाठ रखाते हैं, पंगा पाता दविंदर सिंह भुट्टो जी। हाँ जी, इन्हें केस भी किया कोर्ट के स्टे होया, पर खंड पाठ से नहीं हो बिल्डिंग से होया जो भी है जी, तो हूँ इनका जो ना ही आप श्री गुरु नानक दरबार रख दिता फिर तो खंड पाठ रखने का कोई तराज ही होना नहीं चाहिए इन्हें। उस मते दस्तक भी है
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਟੋ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ 24 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਪਰਸੋਂ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ फिलहाल जब तक अखंड साहिब की लड़ी समाप्त नहीं हो जाती तब तक पुलिस जहां तैनात रहेगी ताकि किसी भी तरह की शांति भंग करने की कोई कोशिश ना कर सके। सिटी हलचल के लिए महालपुर से दीपक अग्निहोत्री की रिपोर्ट।